नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। मैंने पहले वीडियो में दिखाया था कि किस तरीके से एक महिला अपने दूध मुहे बच्चे को छोड़कर घर से चली जाती है। उस वक्त उसका पति गोवा में काम कर रहा होता है। तो चलिए जानते हैं उसके पति से बातचीत करके आगे की पूरी कहानी। आपकी जो पत्नी जो लापता हुई है वो अभी कहाँ पर है, कोई जानकारी है? हमें तो जानकारी है। कहाँ है? बक्चट्टा में बोल रही थी दीदी बताई थी। अच्छा, वो आपकी पत्नी का वो मतलब दीदी जो है वो बता रही थी कि वो बक्चट्टी में है। हाँ। किसके साथ है वहाँ? वो पता नहीं बताया। आपकी माँ तो बता रही थी कि आप जब गोवा काम करने के लिए गए थे तो उस समय किसी और के साथ वो फोन में बिजी रहती थी। क्या आपके साथ वो बिजी रहती थी क्या? मेरे से 2 दिन के बाद बात किया था। मतलब गोवा जाने के बाद आपसे 2 ही दिन बात हुआ? हाँ। आप सुबह शाम फोन नहीं करते थे उसको क्या? फोन करते थे, फोन रिसीव भी नहीं करती थी। तो ले, और वो सुन रहे हैं, आपकी माँ बता रही थी कि आपकी वही मतलब आपकी पत्नी ही आपको गोवा भेजी थी काम करने। हाँ। अच्छा, और पैसा वगैरह भेजते थे उसको आप पत्नी को? भेज दिए थे 2 बार। और जब यहाँ से वो चली गई तो क्या पैसे वगैरह भी लेकर चली गई? क्या क्या लेकर गई है अपने साथ वो? यहाँ से जो शादी में जो दिया था ना उसको कपड़ा लता सब उसको भी लेके गया है, और मेरे को भी दिया था ना शादी का रफ्सर। अच्छा, उसको भी तो वो मेरा कपड़ा सबको भी लेके गई है। अच्छा, तो इतना छोटा बच्चा था उसको भी आपकी माँ बताई कि वहाँ मतलब नानी के घर में अपनी माँ के घर में वो छोड़ के चली गई। हाँ। तो आपको जब पता चला होगा कि किसी और के साथ बिजी रहती है तो आप उससे उसको क्या बोले, पूछताछ नहीं किए? हम पूछताछ किए कि अब मेरा रिश्तेदार लोग से जो बात करते हैं सब बोलते हैं। अच्छा, तो अभी आप क्या चाहते हैं? आपकी पत्नी तो कहाँ है कुछ पता नहीं चल रहा है, मतलब सटीक जानकारी भी नहीं है, किसी और के साथ है। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं? बच्चा भी अभी 3 साल का है मात्र, बहुत छोटा है अभी बच्चा आपका। हाँ। तो आना चाहेगी तो अभी रखेंगे? आना चाहेगा तो रखेंगे। अच्छा, इतना कुछ होने के बावजूद रख लेंगे? रख लेंगे, आप शादी किए हैं तो। तो क्या कारण रहा कि आपकी पत्नी इतना परिवार को आपको छोड़कर इतना आप उसके लिए मेहनत करने गए उसको भी दरकिनार करके बिना कुछ सोचे समझे कैसे चल गई? क्या कारण है बताइए तो, आपके हिसाब से क्या लगता है? मेरा तरफ से तो कुछ गलती नहीं है। अच्छा, मोबाइल फोन आप गलती है, वो तो बोल रहे थे कि हम बच्चा को छोड़ के नहीं जाएंगे, बच्चा को ही देख के रहेंगे, ऐसा बोल रही थी। बच्चा को लेकर रहेंगे मतलब आपको बता दी थी कि हम आपको छोड़ रहे हैं, सब बोली थी क्या? नहीं बोली थी, वो बोल रहे थे कि बच्चा को नहीं छोड़ के जाएंगे, हम बच्चा के ही साथ में रहेंगे, बच्चा को ही देख के रहेंगे मगर नहीं छोड़ेंगे, ऐसा बोली थी। अच्छा, लेकिन अपना बच्चा को ही छोड़ दी ना? हाँ, और हम भी बोले थे अगर बच्चा को छोड़ के गई तो ठीक नहीं होगा बोला। अच्छा, तो भी आपका बात नहीं मानी, लड़ाई वड़ा हुआ था क्या कुछ इस विषय को लेकर? लड़ाई वड़ाई तो नहीं हुआ था। अच्छा, अभी आपकी माँ बता रही थी कि आपकी दादी मतलब बच्चा का दादी को ही माँ बोलता है, ये तो अभी याद करता है कि नहीं अपनी माँ को? ये याद नहीं करता है। अच्छा, लास्ट टाइम बात हुआ था उसके जाने के बाद फोन कॉल में उससे? जाने के बाद एक बार बोला कि मेरे को दोबारा मेरे को लाने लाइन में लाने का कोशिश मत करना, हमेशा के लिए मेरे को भूल जाओ, ऐसा बोल रही। अच्छा, हमेशा के लिए हमको भूल जाओ ऐसा बोल दी? हाँ। अरे बाप रे। और बोल रही थी कि मेरा जैसे आदमी नहीं मिलेगा, मेरा जैसे प्यार नहीं मिलेगा, पछता जाओगे, ऐसा बोल रही। अच्छा, तो ऐसा कुछ बोलती है मतलब खुलेआम तो बता रही थी ना, इतना कुछ करने के बावजूद। मोबाइल फोन आप खरीद के दिए थे? नहीं, उसी का था। अच्छा,
तो अभी कभी शक नहीं हुआ किसी से उसका बातचीत होता है, अपने से शक नहीं हुआ कभी, उसको रंगे हाथ नहीं पकड़े है किसी, उसका मोबाइल फोन में किसी का कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह? पहले वो उसका मौसी का लड़का से बात हो रहा था, उस टाइम तो मोबाइल छीन के उसका वो मोबाइल का तो डिस्प्ले ही तोड़ दिया हम। अच्छा अच्छा, इतना कुछ मना करने के बावजूद लेकिन नहीं मानी ना? हाँ। हम बोले कि मेरा गलती होगा तो तुम कुछ भी कर सकती है, और मेरा गलती नहीं दिखेगा तो क्या कर लेगी, हम बोले। हाँ हाँ, मेरा तो गलती नहीं दिख रहा है तो। उसका नंबर है आपके पास अभी? उसका नंबर नहीं है। अच्छा, उसका दीदी का नंबर है। दीदी क्या बोल रही है उसका? उसका तो मेरा नंबर को ब्लॉक कर दिया है, किधर से फोन लगता नहीं। दीदी पता, उसका दीदी का भी, दीदी भी आपका नंबर ब्लॉक की है क्या? हाँ, उसका दीदी भी नंबर ब्लॉक किया। अच्छा, नंबर है ना उसका, तो हमको भेजिएगा तो हम बात करेंगे क्या बोलती है। हाँ हाँ।